अपना परिचय बताइएगा। मैं चितेश्वर प्रसाद, स्वर्गीय दीनानाथ प्रसाद, शहर बलिया का निवासी हूँ। जी, क्या मामला है? कुछ दिन पहले की बात है, आबकारी अधिकारी बलिया श्री विष्णु प्रसाद दुबे जी और आबकारी निरीक्षक विनय राय व संदीप यादव, ये लोग मेरे कदम चौराहा स्थित जो किराए की पर्व चलती है उस मकान पर पहुँचे और मुझे बताया गया कि आपके मकान की तलाशी लेनी है। मैं आवास विकास में रहता हूँ, मैं वहाँ से आया कि क्या बात है, किस चीज़ की तलाशी लेनी है। तो मालूम यहाँ आने पर हुआ कि आपके मकान पर जो किराए पर चलती है इसमें भारी मात्रा में अवैध शराब जो है रखा हुआ है, इसकी तलाशी लेनी है। मैंने कहा कि बिल्कुल तलाशी ले लिया जाए और पूरी मकान की तलाशी ली गई, कहीं कुछ नहीं मिला। एक ऊपरी तल पर जो खाली पड़ा हुआ था रूम, उसमें कोई किराएदार नहीं रहता है, उसमें दो पिट्ठू बैग पड़ा हुआ था, उसको दिखाया गया खोल करके कि इसमें 8 PM टेट्रा की खाली रेफर रैपर पड़ा हुआ है। ये आप इस तरह का काम करते हैं, माल बनाते हैं? मैंने कहा कि इस तरह का मेरे द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है, अगर मैं इस तरह का कार्य करता तो आपके बुलाने पर मैं तुरंत थोड़े आता। मैं लाख कहता रह गया, चिल्लाता रह गया, मेरा कोई एक भी नहीं सुना और मुझे ज़बरदस्ती जो है मुकदमा कायम करा करके जेल भेज दिया गया। ऐसे ऐसे धारा लगाया गया जिसको इस खाली 8 PM की रैपर पर उस तरह का कोई धारा नहीं बनता था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने भी कहा और ऐसा रैपर कि वो शराब तो उसमें पड़ ही नहीं सकता है, वो केवल पानी में डाल दिया जाए तो गल जाएगा, जैसे कोई दफ्ती द्वारा वो बनाया गया हो और कहीं से ला कर के रखा गया हो। मैं जब जेल से छूटा हूँ और आया हूँ तो मैं इस सत्यता की पता करने के लिए मैं इस चौराहे का घूम करके पता किया तो मालूम चला कि ये CCTV कैमरा जो सरकारी लगा हुआ है कदम चौराहे पर, इसमें कुछ हमको साक्ष्य मिल सकता है। तो सतनी सराय पुलिस चौकी में हम और हमारे मित्र शैलेंद्र पांडे और एक ऑपरेटर और चौकी इंचार्ज श्री राजू राय जी के मौजूदगी में हम लोग जब देखने लगे तो 9 बजे के बाद जो घटना देखने को मिली उस CCTV कैमरे में, उससे हम लोग हक्का बक्का रह गए। एक सरकारी गाड़ी 4-व्हीलर आई है, मकान पर रुकी है, उस मकान से एक सफ़ेद शर्ट पहना हुआ, जींस पहना हुआ व्यक्ति पीठ पर बैग लिए हुए उतरता है। उसके बाद उस गाड़ी थोड़े दूर आगे चली जाती है, फिर जस्ट उसके पीछे एक मोटरसाइकिल आता है, मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा हुआ व्यक्ति भी एक पिट्ठू बैग अपने पीठ पर लिया हुआ है, वो भी उतर जाता है और उसके बाद दोनों पिट्ठू बैग वाले आपस में वार्तालाप करते हैं और वार्तालाप करने के बाद इधर उधर देखते हुए दाएं बाएं ऊपर नीचे मकान में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मोटरसाइकिल वाला जो है 2-3 मिनट वेट करता है, जब देखता है कि ये पिट्ठू बैग लेकर के जो गए लोग अभी नहीं उतरे तो वो भी मकान के ऊपर देखता है और उसके बाद फिर मकान में वो भी प्रवेश करता है। उसके बाद तीनों एक साथ उतरते हैं, लेकिन पिट्ठू बैग उन लोग के पास नहीं रहता है, वो बैग उसी मकान में छोड़ करके चले आते हैं। ये सारे साक्ष्य उस CCTV कैमरे में मौजूद है। वो जब ये बैग रख करके जाने के बाद हमारे समझ से अवगत कराया जाता है विभाग के अधिकारियों को, ये सारा किया कराया ये विभाग के अधिकारियों का काम है और बाकी कहीं किसी का कोई मतलब काम नहीं। क्या इस तरह का साक्ष्य उस CCTV कैमरे में आगे भी रिकॉर्ड है? हाँ बिल्कुल, आगे भी रिकॉर्ड है। तो आपने उस रिकॉर्ड को मांगा क्या CCTV कैमरे? मैं मांगा हूँ लेकिन वो मुझे नहीं दिया जा रहा है, ये बोलकर कि ये सरकारी मामला है,
ये विवेचक को दिया जाएगा। विवेचक से बात करने के बाद विवेचक द्वारा बताया जा रहा है कि उनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है। इसी एवज में मैं माननीय कप्तान महोदय साहब को मैं पत्र लिखा हूँ, वो पत्र कोतवाली में पहुँच भी चुका है। कब लिखे थे पत्र? पत्र मैं लिखा हूँ, फाइल दीजिए एक मिनट बता रहा हूँ, करा दिया हूँ। कप्तान साहब को कब दिए हैं पत्र? 20/5/2024 को। वह पत्र कहाँ है? वो पत्र कोतवाली पहुँच चुका है। उस पर क्या कार्रवाई हुई? उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। सीसीटीवी फुटेज कितने दिन तक यहाँ सुरक्षित रह सकता है? अब चौकी प्रभारी महोदय का कहना है कि 25 दिन तक हमारी बात हुआ है, जो सीसीटीवी लगाया था वो 25 दिन तक उसका कहना है कि यहाँ रिकॉर्ड में रहेगा। यानी 25 दिन बीत जाने के बाद वह रिकॉर्ड मिट जाएगा? हाँ, मिट सकता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो विवेचक महोदय हैं और उनको जल्द से जल्द इस साक्ष्य को कलेक्ट करके न्यायालय में पेश करें, ताकि निर्दोष को बचाया जा सके, उसके साथ न्याय हो सके। आप करते क्या हैं? हमारा तो व्यवसाय है और हमारी पत्नी के नाम से होलसेल डिपो है, FL2 का। जी, जब आपके पास अंग्रेजी शराब का डिपो है जी, तो क्या वह रैपर भी अंग्रेजी शराब का ही था, मिला हुआ था? अंग्रेजी शराब का ही मिला हुआ है रैपर, जिसमें शराब नहीं रखा जा सकता जी। जिसमें शराब तो दूर, पानी में रैपर गल जाएगा। ये एक कुटी चुराते, मैं जिलाधिकारी महोदय से आबकारी अधिकारी का मैं शिकायत किया था कि इस तरह से ये प्रताड़ित करते हैं लोग, रोज दुकान चेक करते हैं, इनको माल बेचने पर पैसा चाहिए और मंथली चाहिए, मतलब तमाम तरीका से, मतलब जो नहीं देगा उसको परेशान किया जाता है। यानी आपसे नजायज पैसे ले डिमांड किए जा रहे थे? डिमांड तो सबसे होता है और सबसे लिया जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न देता हो, लेकिन सब विभाग के में डर करके जीते हैं। लेकिन मैंने इसका आवाज़ उठाया और ये आवाज़ बंद करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई। कितना मांगते हैं लोग महीने में? अब मांगने के लिए तो पूछिए मत, मैं क्या बताऊँ। जो स्थिति है बलिया की, इसके पहले भी यहाँ पर अधिकारी रहे हैं। मैं 2019 से FL2 हमारी पत्नी के नाम से है, लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी जो यहाँ 2022 के बाद शुरू हुई है। कितना डिमांड होता है? अब डिमांड का मैं क्या बताऊँ, कुछ तो बताएंगे। अब चलिए, आने दीजिए समय, सब साफ हो जाएगा पर्दा। आपने जिलाधिकारी को जब पत्र दिया है, उनको बताया है, तो उसमें तो कुछ बातें खुलकर आई हूँ। बातें आई है तो अब जिलाधिकारी महोदय उसको संज्ञान।